हेलो एवरीवन, इस वीडियो सेशन में बात करेंगे आईटी 402 क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 5 मार्क्स के लिए आने वाले हैं। ऐसा हम सोच रहे हैं कि शायद ये जो ब्लूप्रिंट दिया हुआ है सीबीएसई ने, इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से यूनिट वाइज क्वेश्चंस हो सकते हैं जो 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो एक बार हम ब्लूप्रिंट को देख लेते हैं। पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल 40 मार्क्स का जो ये ब्लूप्रिंट है, इसमें वेब एप्लीकेशन यूनिट है 5 नंबर का, एक क्वेश्चन इसमें से आएगा। वर्ड प्रोसेसिंग है, उसमें से कोई नहीं है। स्प्रेडशीट में से एक क्वेश्चन, डिजिटल प्रेजेंटेशन से लेकर के एक क्वेश्चन, ईमेल मैसेजिंग से कोई नहीं, और डेटाबेस डेवलपमेंट से लेकर के एक क्वेश्चन। तो इस तरीके से टोटल आपको 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, और जिसमें से कोई आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। तो 2 क्वेश्चन आपने पुट करने हैं 5 मार्क्स के, जो कि 4 आपको मिलने वाले हैं। लेकिन वो 4 क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं, तो एक बार हम नज़र डाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको केवल 4 नहीं, इन यूनिट से, इस पर्टिकुलर यूनिट से कितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकते हैं 5 मार्क्स के, उनकी ओर एक बार देख लेते हैं। तो ये आपके 10 नंबर अचीव करने में बहुत बड़ी हेल्प करने वाले हैं। वेब एप्लीकेशंस को लेकर के बात करते हैं बेसिक से, हाउ टू ट्रांसफर डेटा ऑन इंटरनेट। तो ये एक मेरा कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेटा इंटरनेट पर कैसे ट्रांसफर होगा, जिसके लिए आपको पैकेट्स और बिट्स बाइट्स, डेटा का एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, डेटा के साथ में हेडर ऐड होता है। तो ये वाला जो आंसर है आपको, ये आपको ठीक से याद कर लेना है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के क्या क्या फायदे हैं, कि आप उसमें हार्डवेयर रिसोर्स शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर रिसोर्स शेयर कर सकते हैं, बेसिकली आप कम्युनिकेशन ईजी कर सकते हैं, डेटा का ट्रांसफर बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। ये सारी बातें इस क्वेश्चन में कवर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, स्टेट एनी 5 रूल्स एंड एटिकेट्स टू बी फॉलोड वाइल चैटिंग ऑन द इंटरनेट, कि इंटरनेट पर जब भी आप चैट कर रहे हैं तो कौन से 5 नियम आपको ध्यान रखने हैं, कौन कौन से एटिकेट्स आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ अ ब्लॉग, ब्लॉग का एक्चुअल पर्पज होता क्या है। सो बेसिकली ब्लॉग एक वो है, वैसी वेबसाइट है जहां पर आप अपनी पर्सनली, एक वेबसाइट जहां पर आप अपने व्यक्तिगत विचारों को पब्लिकली शेयर करते हैं, लोगों के साथ अपने विचार बांटना चाहते हैं। सोशल मीडिया की साइट्स का भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर आपकी कमेंट रिस्ट्रिक्ट हो सकती हैं, लेकिन आपके ब्लॉग पर आपकी जो कमेंट हैं वो आपके अपने पर्सनल थॉट्स हैं, आपकी अपनी विचार हैं, अपनी राय है, उनको आप पब्लिकली बता सकते हैं, लोग उस पर भी कमेंट कर सकते हैं और आपके ब्लॉग को पढ़ भी सकते हैं। हालांकि ब्लॉग बाद में चल करके एक अच्छा, अगर आप ब्लॉगर बनते हैं तो लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आपके ब्लॉगर्स के जितने भी सब्सक्राइबर होंगे, जितने भी ब्लॉग पढ़ने वाले लोग होंगे, आपका जो कंटेंट पढ़ते होंगे, जिन्हें रुचि होगी, तो उस लेवल पर आपकी अर्निंग लेवल पर भी आप आ सकते हैं, यानी ब्लॉग से इनकम भी हो सकती है। एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का पर्पज क्या है, तो बेसिकली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए एडवांटेजेस बता देनी है, आप घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं, आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप इसको 5 नंबर में डिफाइन करने के लिए तैयार रहिएगा। एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑनलाइन थ्रेड्स, ऑनलाइन थ्रेड्स क्या क्या हो सकती हैं। एक्सप्लेन 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सिक्योरिटी, आपके कंप्यूटर में या इंटरनेट की हेल्प से जो भी वायरसेस आते हैं या हैक्स होने के चांसेस होते हैं, उससे किस तरीके से आप सिक्योरिटी लेवल बढ़ा सकते हैं। तो कोई 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस को आपको बताना है, उसमें एंटीवायरस भी हो सकता है, पासवर्ड चेंज भी हो सकता है, बैकअप भी हो सकता है, फायरवॉल को ऑन करना भी हो सकता है, एंड एक्सेट्रा। यहाँ पर एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है मेरे से छूट गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको वर्बली अभी वीडियो में बोल ही रहा हूँ। तो यहाँ पर जो कीज हैं, लाइक आपने जितनी भी कीज हैं हमारी जर्नली, उन सारी कीज की डेफिनेशन भी एक साथ पूछी जा सकती है कि डिफाइन द फॉलोइंग, और 5 कीज दे दी जाएं, और फिल्टर कीज क्या है, टॉगल कीज क्या है, उसमें अभी आपका आंसर पूछा जा सकता है। सो बेसिकली वैसे तो ये एक एक नंबर में आने वाला है, बट फिर भी अगर 5 नंबर में आए तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। यूनिट 2 की बात करते हैं स्प्रेडशीट को लेकर के, सो लिस्ट एनी 5 कंडीशंस फॉर्मेट्स आइटम्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर्मेट्स आपको बताने हैं, जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन, एक्सेट्रा, आपको ये कंडीशंस फॉर्मेट्स हो सकते हैं। इसी तरीके से इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल। एलिबरेट द 5 टाइप्स ऑफ व्यूज अवेलेबल इन अ स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट में कितने तरीके के व्यूज होते हैं, कोई भी 5 व्यूज आपको यहाँ पर डिफाइन करने हैं। डिफाइन 5 चार्ट टाइप, तो कॉलम चार्ट, बार चार्ट, एक्स वाई स्केटर चार्ट्स, तो ये तरीके के चार्ट हैं, आपको इन 5 चार्टों के बारे में बताना है, एक्सप्लेन करना है। तो इस तरीके से भी 5 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। डिफाइन 7 चार्ट एलिमेंट्स, तो चार्ट के एलिमेंट्स के बारे में भी पूछा सकता है। यहाँ 7 लिखा है, यहाँ पे 5 भी आ सकता है। लाइक एग्जांपल की चार्ट में आपका लेजेंड्स होता है, एक्स वाई एक्सेस होते हैं, आप किस तरीके से चार्ट का टाइटल होता है, तो ये सारी चीज़ें मिलाकर के आपका चार्ट के एलिमेंट्स बन जाएंगे।
इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, व्हाट आर द स्टेप्स टू कैलकुलेट डेटा अक्रॉस वर्कशीट, एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट पर डेटा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये प्रैक्टिकली आपके इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम वीडियो दे देंगे, तो वहां से आपको इसका आंसर समझने में बहुत जल्दी आसानी हो जाएगी। यूनिट 4 की बात करते हैं, डिजिटल प्रेजेंटेशन इंटरमीडिएट। सो व्हाट आर द इफेक्टिव यूजेस ऑफ एनिमेशन इफेक्ट, एनिमेशन के जो इफेक्ट्स हैं उनका बेसिकली क्या इफेक्टिव यूज है वो आपको बताना है। और एक कॉमन क्वेश्चन की राइट द टिप्स टू मेकिंग एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि राइट द पॉइंट्स टू बी कैप्ट इन माइंड टू मेक एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन फॉर द ऑडियंस। तो आप ऑडियंस के लिए कैसे एक अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं या क्या पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए, तो ऐसे कोई 5 पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए ताकि आप इस आंसर को 5 नंबर में एलेबरेट कर सकें, डिफाइन कर सकें। इसी तरीके से यूनिट 5 की बात करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, डेटाबेस डेवलपमेंट, और इससे तो अक्सर क्वेश्चन आता ही आता है। और लेकिन जो लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के सैम्पल पेपर में था उसमें क्वेरीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन थे, लेकिन बोर्ड में वो क्वेश्चन नहीं आए थे। लेकिन बोर्ड में उसके अलावा क्या क्या क्वेश्चंस थे वो हमने यहाँ पुटअप किए हैं। डिफाइन 5 डेटा टाइप्स, कोई भी 5 डेटा टाइप्स आपको बता देने हैं, कैर है, वेर कैर है, डेसिमल है, डेट डेटा टाइप है, एक्सेट्रा। डिफाइन फॉलोइंग, प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की। सो बेसिकली जो फील्ड आपके पूरे रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफिकेशन देती है वो आपका प्राइमरी की हो जाती है, चाहे वो रोल नंबर है, आधार नंबर है, एडमिशन नंबर है, एक्सेट्रा। फॉरेन की सेम, अगर दो टेबल्स हैं और पहली टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल के लिए फॉरेन की हो सकती है, और दूसरी टेबल की प्राइमरी की पहली की के लिए फॉरेन की हो सकती है। सो बेसिकली फॉरेन की यूज़ की जाती है रिलेशन बनाने के लिए जब दो टेबल को आपस में मर्ज करना होता है। कैंडिडेट की, जो प्राइमरी की बन सकती हैं लेकिन बनाई नहीं गई हैं, बेसिकली आपकी एक टेबल के अंदर एक से ज़्यादा प्राइमरी की बनने की कैपेबिलिटी रखने वाली फील्ड्स हो सकती हैं, लेकिन जो प्राइमरी की बन जाती हैं तो वो तो प्राइमरी की कहलाती है, लेकिन जो प्राइमरी की बन सकती हैं लेकिन बनाई नहीं गई हैं उन्हें फॉरेन की कहते हैं, सॉरी कैंडिडेट की कहते हैं, और उसके अलावा जितनी फील्ड्स बच जाती हैं उन्हें ऑल्टरनेट कीज कहते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग, टेबल, कॉलम और फील्ड, रोज, रिकॉर्ड्स और टपल। तो यहाँ पर आपको सीखने के लिए मिल भी रहा है कि कॉलम को फील्ड भी कहते हैं, रोज को रिकॉर्ड और टपल के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली रोज और कॉलम्स के कॉम्बिनेशन से बनती है टेबल, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें कॉलम्स कहते हैं, यानी कि जो टॉप से बॉटम की ओर होती हैं उन्हें फील्ड भी कहते हैं। जैसे आपका रोल, नेम, क्लास, सेक्शन, दीज आर कॉल्ड फील्ड्स और कॉलम्स। इसी तरीके से रोज, रिकॉर्ड्स और टपल की बात करें तो जो एक सिंगल एक रिकॉर्ड होता है हॉरिजॉन्टली लाइन जिसे हम कहते हैं वो हमारा रिकॉर्ड कहलाता है। डिफरेंशिएट DDL एंड DML कमांड्स विद एग्जांपल। तो ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि DDL और DML में डिफरेंस बताइए, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आप इसकी फुल फॉर्म लिख रहे हैं तो ये मान के चलिए आपको इसके मार्क्स नहीं मिलने वाले। आपको डिफाइन करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि DDL बेसिकली डेटा के स्ट्रक्चर पर काम करने वाली क्वेरी होती हैं, कमांड्स होती हैं, और DML आपके डेटा पर वर्क करने वाली कमांड्स होती हैं, जो डेटा के मैनिपुलेशन पर काम करती हैं। एक जो डेटा के स्ट्रक्चर पर काम कर रही हैं और एक जो डेटा पर काम कर रही हैं। डेटा के स्ट्रक्चर पर क्या होता है, आपको डाटाबेस बनाना है, टेबल क्रिएट करनी है, टेबल के अंदर कोई फील्ड जोड़नी है, ऐड करनी है, तो ऑल्टर इसमें आ जाएगा, क्रिएट आ जाएगी, ड्रॉप क्वेरी आ जाएंगी, तो ये आपकी DDL क्वेरीज हो गई। फिर आपका DML के अंदर आपका सिंपल सेलेक्ट है, इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है, तो ये चीज़ आपकी DML कमांड्स के अंदर कवर हो जाएंगी। डिफाइन टाइप्स ऑफ DML कमांड्स, तो DML कमांड्स कितने टाइप की होती हैं। हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन डिज़ाइन व्यू, ये थोड़ा सा हट करके क्वेश्चन है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन है ओपन ऑफिस से, यानी ओपन ऑफिस में अगर आपको टेबल डिज़ाइन करनी पड़े डिज़ाइन व्यू में तो कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्रिएट टेबल क्वेरी लिखने की बजाय राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू से एक टेबल क्रिएट करने का ऑप्शन है। डिस्क्रिप्शन में हम आपको यहाँ लिंक दे देंगे, सो आप वहाँ से सोर्स में आप यूज़ कर सकते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्वेरीज विद एग्जाम्पल, यूज वेयर क्लॉज ऑल्सो। तो सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, ऑल्टर, क्रिएट, डिलीट। तो यहाँ पर मैं इनको ज़्यादा डिफाइन नहीं करने वाला क्योंकि ऑलरेडी इनके ऊपर वीडियोस बनी हुई हैं और आप डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के देख सकते हैं, वहाँ से आपको समझ में आएंगे अगर आपको जिस जिस टॉपिक की वीडियोस चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, राइट अ क्वेरी टू क्रिएट अ टेबल विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट नाम की टेबल आपको बनानी है जो कि PID इसकी फील्ड है, पी नेम है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है। तो बहुत सिंपल आप क्वेरी लिखेंगे, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, आपने क्रिएट टेबल प्रोडक्ट आपको लिखना है और सीधे सीधे फिर फील्ड का नाम और उसका डेटा टाइप, फील्ड का नाम, उसका डेटा टाइप, फील्ड का नाम, डेटा टाइप, फील्ड का नाम, डेटा टाइप, और सेमी कॉलन लगा के आपको अपनी जो क्वेरी है उसको बंद कर देना, आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी।
इसी तरीके से नीचे कंसीडर द फॉलोइंग वेंडर टेबल, तो ये एक क्वेश्चन का फॉर्मेट है, और लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि बोर्ड में भी बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन फील्ड अलग हो सकती हैं और अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है कि राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स, सारे रिकॉर्ड दिखाने हैं तो कौन सी क्वेरी लिखनी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल वेंडर है हमारी तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेंडर। राइट अ क्वेरी टू ऐड न्यू रो विद द फॉलोइंग डिटेल्स, एक नई रिकॉर्ड आपको ऐड करना है तो इंसर्ट इन टू वेंडर वैल्यूज, और बिल्कुल एज इट इज जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे ही आपने आंसर लिख देना है। राइट अ क्वेरी टू मॉडिफाई द लोकेशन ऑफ V003 फ्रॉम कोलकाता टू गुजरात, जिसकी आईडी लोकेशन V003 है उसको कोलकाता से गुजरात करना है, तो यहाँ पर आप अपडेट क्वेरी लगाएंगे कि अपडेट वेंडर सेट, क्या करे सेट, सेट कर दे लोकेशन इक्वल्स टू गुजरात वेयर वी वेंडर आईडी इक्वल्स टू V003, जैसा क्वेश्चन पूछा है वैसी क्वेरी आपने पुटअप कर देनी है। तो DDL DML डेटाबेस को लेकर के ये क्वेश्चंस 5 नंबर में आ सकते हैं। आई होप ये PDF हम इस लिंक में शेयर कर देंगे, आप यहाँ से इनके बेसिकली आंसर सर्च कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस आपके लिए हेल्प कर सकते हैं। हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम 5 नंबर के जितने क्वेश्चन बन सकते थे इन यूनिट से वो सब हमने यहाँ लिखने की कोशिश की है। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरीज रह जाती है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, और बहुत नज़दीक हम एग्ज़ाम्स के हैं, 20 फरवरी 2020 आप सभी का बोर्ड एग्ज़ाम IT 402 के लिए आने वाला है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।